भी हो जाए बुद्ध की तरह से। तो चलते हैं हम बुद्ध की ओर। यमक बग से गाथा है, बहुत अच्छी गाथा है, किधर जाएंगे अभी नहीं पता हमको। कहा गई ये गाथा, आदि नामचारी नागरत्न जी बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह से इन गाथाओं का संज्ञान करते हैं और फिर बोलते भी हैं। तो कहा गया है, असारे सार मतिनो सारंच असार दसिनो ते सारंगनाधिगच्छन्ति मिच्छा संकप गोचरा। बहुत अच्छी गाथा है ये। और इसके साथ ही दूसरी गाथा लगी हुई है, सारंच सारयत्वा सारंच सारतोयत्वा असारंच असारतो ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मा संकप गोचरा। यानी कहा गया है पहली गाथा में कि असारे सार मत्तिनो, जो व्यक्ति जो वहां सार नहीं है वहां पर उस चीज में सार देखते हैं, यानी जहां सत्य नहीं है असत्य है और वो उसको सत्य समझते हैं, और जहां सत्य है वहां क्या देख रहे हैं असत्य देख रहे हैं। तो सत्य क्या है दुनिया में, अगर एक शब्द में कहा जाए तो बुद्ध का धम्म ही सत्य है, यानी बुद्ध का रास्ता ही सत्य। सर्व धर्म सम्मेलन के अंदर अगर एक बात उठती है कि शांति कैसे आएगी, तो भगवान बुद्ध के धम्म से आएगी, भगवान बुद्ध के रास्ते से आएगी, भगवान बुद्ध के दर्शन से आएगी। जो प्रकाश भगवान बुद्ध ने दिया है इस संसार को उससे ही आएगी, लेकिन उसको न मानते हुए हम क्या करते हैं, अपने विचार अपने दर्शन अपना सोच हम जो है अपने ऊपर तो लादते ही और सामने वाले के ऊपर भी लादते चले जाते। ये क्या है असत्य, ये क्या है असार है। तो सार जो असार को सार समझते हैं और जो सार में असार देखते हैं, ऐसे मिथ्या संकल्प वालों को, ऐसे मिथ्या संकल्प वाले मनुष्य जो है कभी सार को पकड़ नहीं पाते, कभी सार को जान नहीं पाते। वहीं पर जो सार को सार देखते हैं, सार को सार के रूप में जानते हैं, सत्य को सत्य के रूप में जानते हैं और असार को असार के रूप में जानते हैं, उसका वर्णन करते हैं दर्शन करते हैं, तो वे जो है सम्मा संकल्प यानी सम्यक संकल्प के धनी व्यक्ति जो है उस सार से परिचित हो जाते हैं, उस सार को जान लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी गाथाएं हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमको देखना है कि हम क्या करें किधर जा रहे हैं। तो चलते हैं, क्या है मिथ्या संकल्प, धम्म चलता है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं आज संसार के अंदर, क्या ये ऐसा ही रहने वाला है, हमारा शरीर ऐसा ही रहने वाला है, क्या क्या कोई ऐसी दुनिया है जो इस पे हम विचार कर रहे हैं। तो बाबा साहब अपने धम्म बुद्ध और उनके धम्म के अंदर कहते हैं कि अधम्म क्या है, वो अधम्म ही असत्य है, वो सार नहीं है। तो पहला ही वो कहते हैं, पराग प्रकृति में विश्वास करना अधम है। हम सोच सकते हैं हम कहां हैं, क्या हम प्रकृति से बाहर कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ तो है मन में हमारे में खटकता रहे, तो कुछ तो है जहां हम नहीं पहुंच पा रहे तो वहां से कुछ तो है वो हम देखते हैं, कुछ तो है जो इसको चला रहा है, कोई तो है जो ऐसा काम कर रहा है। ये जो धारणा हमारे मन के अंदर बनी हुई, जो हमारे दिमाग के अंदर बैठी हुई है, वो जो है बहुत ही खतरनाक। और बाबा साहब ने वहीं पर कर दिया कि प्राप्त प्रकृति में ऐसे विश्वास को पनपाना, ऐसे विश्वास को बैठाना, ऐसे विश्वास पर जो विश्वास करना, ऐसी बातों पर विश्वास करना, ये जो है अधम है, ये धम्म नहीं है, भगवान बुद्ध का रास्ता नहीं है।
दूसरा वो कहते हैं यहां पर कि कोई तो है, तो वहां पर नाम ले दिया, किसका नाम ले दिया, भगवान का, ईश्वर का, ईश्वर में बाबा साहब कहते हैं उस पुस्तक के अंदर, उस ग्रंथ के अंदर, कि ईश्वर में विश्वास करना अधर्म है, ये भी असत्य है। क्या आज तक कोई बता पाया है कि ईश्वर यहाँ रहता है, ईश्वर का ऐसा रंग है, ईश्वर इतने कद का है, ईश्वर में ये गुण है, क्या आज तक कोई बता पाया है? जो कुछ भी वर्णन किया है वो आदमी ने किया है और किसी ने नहीं किया। आदमी के अपने विचार हैं, वो थोप रहा है एक दूसरे के ऊपर, वही जो है आगे बढ़ा रहा है। हाँ, तो ये क्या है? असत्य है, ईश्वर भी असत्य है। कल तक, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मेरी बहनें बैठी हुई हैं यहां पर, कल परसों करवा चौथ गई है, आज भी कोई पता नहीं कौन सा अयोध्या आठवां, पता नहीं क्या क्या है, कह नहीं सकता हूं, शायद अयोध्या आठ है, आज भी व्रत चल रहा है बहुत भारी। क्या है ये? क्या इन विश्वास, ये विश्वास करना, क्या हम सत्य के पास पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि ईश्वर में विश्वास करना भी अधम है, ये भी जो है सार नहीं है, ये भी असार है, इसमें भी सत्यता नहीं है, वास्तविकता नहीं है। और फिर बाबा साहब कहते हैं तीसरी जगह पर कि जितने भी ब्रह्म सायुज हैं, धर्म हैं, जो भी किसी शक्ति के ऊपर जो है आधारित धर्म है, चाहे कितने भी धर्म, बाबा साहब ने अकेला एक हिंदू धर्म नहीं पढ़ा, बाबा साहब ने सारे विश्व के जितने भी धर्म थे सभी धर्मों का अध्ययन किया, विचार किया, सोचा, समझा अच्छी तरह से, और उसके बाद आप हमारे आपके लिए कहां से निकाल के लाए? बुद्ध के रास्ते को निकाल के लाए। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध मुझे ईश्वर का भय नहीं दिखाते, बुद्ध मुझे ईश्वर का भय नहीं दिखाते और स्वर्ग का लालच नहीं देते, इसलिए मैं बुद्ध को मानता हूं। भगवत मतलब यह है कि भगवान बुद्ध आपको आजाद कर रहे हैं, अपने विचारों के लिए अपने दिमाग को लगाइए, अब तर्क की कसौटी पर कसिए, अगर आपको अच्छा लगता है कलाम सूत्र को पढ़िए, आपको अच्छा लगता है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपके समाज के लिए अच्छा है, आपके देश के लिए अच्छा है, संपूर्ण मानव जाति के लिए अच्छा है, कुशल है, उसको मानिए, अन्यथा छोड़ दीजिए, मेरी बात को भी छोड़ दीजिए। बुद्ध यहां तक अपने को लगाते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरे क्या कहते हैं, ये तो अलौकिक है, वो अलौकिक उसे बता रहे हैं, ये अलौकिक है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, ये अपौर से है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, ये आदमी ने नहीं लिखा। अरे भाई, कागज आदमी ने बनाया, कलम आदमी ने बनाई, स्याही आदमी ने बनाई, लिखा आदमी ने, वो अपौर से कैसे हो जाएगा? सिद्ध करके दिखा सकता है कोई? तो जितने भी ब्रह्म पर आधारित जितने भी धर्म हैं, जितने भी रास्ते हैं, जो कहते हैं कि हम ब्रह्म से मिला देंगे, हमने इस कर दिया, वो कर दिया, क्या वो कभी मिले ब्रह्म से? बाबा साहब ये सवाल उठाते हैं, बुद्ध ये सवाल उठाते हैं, तो हमें भी ये सवाल उठाने चाहिए। फिर कहते हैं आत्मा में विश्वास अधम है, बड़ी अच्छी तरह से बाबा साहब धीरे धीरे करके ला रहे, कहां ला रहे हैं हमको? हमारी असलियत पर ला रहे। अभी भी हमारे मन के अंदर ये हो जाता है कि कुछ तो है यार, तुम तो मन कहते हो, वो आत्मा कहते हैं, बात तो एक ही है, दोनों निराकार हैं, दोनों का आकार नहीं है, हाँ? फिर अंतर क्या रह गया? तो बाबा साहब कहते हैं आत्मा में विश्वास भी अधम है, उनकी आत्मा जो है परमानेंट है, वो मरने वाली नहीं है, वो बिखरने वाली नहीं है। आपका मन बिखरता है, आपका मन जो है टूटता है, खत्म होता है, यहीं पर खत्म हो जाएगा, इसी जीवन तक है आपका मन, आगे जाने वाला नहीं है। हाँ, आपके जैसे विचार अगर आप किसी के में पैदा हो जाए, जो विचार आपके अंदर हैं, जैसी बोली आपकी है,
जैसा चलन आपका है, जैसे आपका वो व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व कहीं पर पैदा हो जाए, यही विचार पैदा हो जाए, वैसी बोली पैदा हो जाए, तो ये कह दिया जाता है अरे देखो उसका रूप पैदा हो गया, वो तो अलग बात है, लेकिन उनकी आत्मा मरने वाली नहीं है, वो तो जो है स्वर्ग और नरक में जाके अपने जो कर्म कर रहे हैं उसको भोगती है। अगर ऐसा होता तो जो इन चीजों को बताते हैं तो आदरणीय नागरत्न जी बता रहे थे आर्भक सूक्त में यक्ष कौन होता है, तो ये जो है यक्ष के रूप ही है। हाँ? यहां लगाना, ये लगाना, ये करना, और वो पहन पहन के चलना, डंडे लेके चलना, झंडे लेके चलना, ये सारी चीजें क्या है, ऐसे यक्ष हुआ करते थे, तब आज भी रूप बदल गया और वही है। इसलिए आत्मा में विश्वास भी करना अधम है। और फिर बाबा साहब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं यज्ञ बलि विरत, ये जितने भी ये हैं इन कर्मों का करना भी, इनको भी करना अधम है। विरत रहते हैं, विरत का मतलब जानते नहीं है, विरत का मतलब ये भूखा रहना नहीं होता है, खुद बड़ी अच्छी तरह से बड़े अच्छे शब्दों में समझा देते हैं, और बाबा साहब ने बहुत ही अच्छे शब्दों में निचोड़ दिए हैं इसके। हैं आप भी रहते होंगे व्रत, भूखे रहने से कोई व्रत नहीं होता, वीरत शब्द देखिए, वीरत लिप्त नहीं रहना किसी से, किससे लिप्त नहीं रहेंगे, हम यहाँ क्या कहते हैं, अरे हिंसा मत करिए, चोरी मत करिए, व्यभिचार मत करिए, झूठ मत बोलिए, नशा में मत रहिए, पांच ही चीज बताई गई है, और इनसे अगर हम व्रत रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। ये सवाल ही नहीं उठता कि हमारा फिर जीवन जो दुखमय हो, फिर हम जो है सुखी होते हुए चले जाएंगे, धीरे धीरे करके हम सुख की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए यज्ञ बलि कर्मकांड व्रत ये सारी चीज बेकार हैं, इनमें विश्वास करना अधम है, ये क्या है, असत्य है, असार है। और फिर कहते हैं कल्पना पर आधारित धर्म जो है, जितने भी धर्म हैं, तो जितने भी धर्म हैं विश्व के अंदर बाबा साहब ने पढ़ लिया था अच्छी तरह से, सारे काल्पनिक, कहीं कोई सबूत नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही है कि उसको आप प्रमाणित कर सकें, उसे आप पेश नहीं कर सकते, और प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। भगवान बुद्ध सत्य को देखने के लिए कई तरह से बताते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके पास 6 इंद्रियां हैं और ये शरीर में आपकी 5 इंद्रियां हैं, छठी इंद्रिया तो इसको सभी को चलाती है, सभी का भोग छठी इंद्री भी भोगती है जो हमारा मन कहलाती है, तो ये 5 इंद्रियों में से कम 2 या 3 इंद्रियां जब साक्ष्य देंगी तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है, अगर इंद्रियां साक्ष्य नहीं दे रही तो वो सत्य नहीं। कैसे, कोई वस्तु है आपके पास में, एक बमन आया भगवान बुद्ध से कहने के लिए सत्य को कैसे पहचाना जाए, तो भगवान बुद्ध ने वहां पर कहा था ये कि सत्य को ऐसे पहचान सकते हो, कल्पना को आप मत सोचिए, कल्पना आपके मन में आई तो आपकी इंद्रियां काम करें, आप 2 इंद्रियों से, कोई पेड़ है, पेड़ को आप देख रहे हो, नजर से देखा आपने, हाथ से महसूस कर सकते हो, 2 इंद्रियों का काम हो गया, एक ने रूप देख लिया, दूसरे ने स्पर्श कर लिया, स्पर्श से अनुभव कर लिया कि यहाँ कुछ है, आप कह सकते हो कि ये पेड़ है, ये मकान है, ये ईंट है, ये पत्थर है, पहचानते हो, 2 इंद्रियों से आप कर सकते हो, सकते है मुलायम है देख सकते, सत्य हो जाएगा। फिर वो कहता है कि हवा जो नहीं दिखाई देती है ईश्वर दिखाई नहीं देता है, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हवा दिखाई नहीं देती, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपका शरीर पे जो त्वचा है वो तो स्पर्श हवा का दिखाई दे रहा है, हवा का अनुभव कर रहे हैं, नहीं कर रहे आप अपनी त्वचा से कर रहे हैं, और ये हवा जब चलती है तो पेड़ हिलते ही नहीं हिलते, वो दिखाई देती है नहीं देती, क्या वो दिखाई देती है, तो साक्ष्य ये प्रमाण है, तो जब तक प्रमाणित ना हो, साक्ष्य ना हो, तब तक वो असत्य है, और असत्य पे विश्वास करना
कल्पनाओं में पूरे रहना जो है सही नहीं है। ये क्या है? असार है, ये सार नहीं है, सत्य नहीं है। तो ईश्वर कोई सत्य नहीं है, आत्मा कोई सत्य नहीं है, इसीलिए कल्पना पर आधारित जितने भी धर्म है सारे कल्पना पर आधारित। अल्लाह किसी ने नहीं देखा, गॉड किसी ने नहीं देखा, ईश्वर किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम बंधे हुए। ये क्या है? असार है, सार नहीं है। और फिर बाबा साहब कहते हैं, और आगे आ जाइए थोड़ा सा, तो बाबा साहब कहते हैं धार्मिक पुस्तकों का मात्र वाचन करना भी अधर्म है। तो मात्र वाचन ही किया जा रहा है धार्मिक पुस्तकों का, चाहे उसमें कितनी भी अश्लीलता लिखी हो। जिस धर्म में हम थे, जो धर्म हमारे ऊपर थोपा गया, जिस जन धर्म से हमको बांधा गया, उन धर्मों के धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए। कल तक तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब को यहाँ संस्कृत पढ़ाई नहीं, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे सारे संस्कृत में थे। लेकिन बाबा साहब की महत्ता देखिए, बाबा साहब की कृपा देखिए, करुणा देखिए उनकी, कि हमारे लिए संस्कृत पढ़ने के रास्ते खोल दिए, और आज हम संस्कृत पढ़ सकते हैं। उन धर्म ग्रंथों की गंदगी को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते, समझ सकते हैं। तो उनमें क्या लिखा है बोलने बड़ा कठिन पड़ता है। तो वो धर्म ग्रंथ हो सकते हैं क्या? इसलिए बाबा साहब कहते हैं धर्म की पुस्तकों को मात्र पाठन अधम है, ये सार नहीं है, ये असत्य है, असार है, इसको मत मानिए। और दूसरा अंतिम जो आठवां जो पॉइंट है बाबा साहब यहां पर बताते हैं कि धर्म की पुस्तकों को गलती से परे मानना भी अधम है, ये भी असत्य है, बहुत बड़ी बात है ये। बाबा साहब ने अपने को चैलेंज कर दिया यहां पर, क्योंकि बाबा साहब ने धर्म के बारे में बहुत लिखा है, बाबा साहब ने अपने को चैलेंज कर दिया। और कालाम सूक्त के अंदर भगवान बुद्ध ने अपने को चैलेंज किया है कि मेरी भी बात को मत मानना। किसी भी धर्म संस्थापक के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो अपने को चैलेंज कर दे। वो कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं माना तो आप नरक में जाएंगे, लेकिन भगवान बुद्ध नरक का भय नहीं दिखाते। वो कहते हैं कि आंख बंद करके मेरे ऊपर भी विश्वास मत करिए, आप जो है पहले अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसिए, तर्क की कसौटी पर कसिए, अगर आपके हित में है, आपके परिवार के हित में है, आपके समाज के हित में है, आपके देश के हित में है, और पूरे जगत के हित में है, तो उस बात को मानिए अन्यथा छोड़ दीजिए। कितना बड़ा चैलेंज है उन धर्म संस्थापकों में और भगवान बुद्ध में और बाबा साहब। देखिए तो बाबा साहब बहुत अच्छी तरह से कहते, तो ये क्या है? हमारा असार है, ये असत्य है, ये क्या है? मिथ्या संकल्प है, जहां पर हम जो है फंसे रहते हैं, ये मिथ्या संकल्प है। और ऐसे ही संकल्प हम लेते हैं, आज भी लेते हैं हम। हाँ, एक कहानी बड़ी अच्छी कहानी नेपाल की, एक महिला का रूटीन था, वहां ये रूटीन है क्या, बुद्ध के जो बुद्धिस्ट हैं उनके घर से कुछ ना कुछ लेके जाना, चाप विशेषकर चावल लेके जाना, और चावल जो है बुद्ध मंदिरों में चढ़ाने। कामकाजी महिला एक दिन लेट हो गई, लेट हो गई, अब उसे चढ़ा रोजाना का नियम रहे कि मुझे चढ़ाना है जाके। आली ली उसने चावल लिए और चल दी, जो उसका संकल्प था चार में चढ़ाना है, पांच में चढ़ाना है, में चलाना है, कितने में चलाना है, अब उस पर टाइम इतना था नहीं, लेकिन चलाना है। तो वहां से आती है बुद्धन शरण गच्छा के, दूर से दरवाजे के बाहर से ऊपर चावल फेंक देती है अंदर भगवान बुद्ध के ऊपर। फिर जल्दी जल्दी जाती है दूसरे मंदिर में, वहां पर चावल फेंक देती है, फिर तीसरे में जाती है वहां पर चावल फेंक देती है। ये क्या है? ये क्या है? क्या इसी के लिए भगवान बुद्ध ने कहा हम नहीं कर रहे क्या ऐसा ही? हम भी ऐसा ही करते, मैं 3 बार वंदना करता हूँ, मैं 4 बार वंदना करता हूँ, मैं 6 बार ध्यान करता हूँ, 1 घंटा ध्यान करता हूँ, मैं आधा घंटा ध्यान करता हूँ, मैं 2 घंटे ध्यान करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। अरे भाई बता किसको रहे हो तुम? अपने लिए करिए, बता किसको रहे हो? अगर आप सही मायने में ध्यान कर रहे हो,
आप सही मायने में बुद्ध धर्म का आचरण कर रहे हो तो ये बातें आपके मन में आएंगी ही नहीं। आप जितने गहराई में चलते चले जाएंगे, बुद्ध धर्म में जितना आप डुबकी लगाएंगे, आपका ध्यान जितना पक्का होता चला जाएगा, जितना गहरा होता चला जाएगा, आप अपने से दूर होते चले जाएंगे, आप अपनी प्रशंसा करने से दूर होते चले जाएंगे, आप अकेले होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध धार्मिक सूक्त के अंदर दोनों को अलग अलग बताते हैं कि ये जो है गृहस्थ के धर्म है और ये जो है भिक्खु के धर्म है। गृहस्थ के लिए सत्य को पाना बहुत मुश्किल है। अगर सही मायने में आपको निर्वाण पाना है तो आपको जो है गृह त्याग करना ही पड़ेगा, लेकिन हम गृह त्याग करते ही नहीं, हम तो हर समय गृह में रहते हैं। 24 घंटे के अंदर हम जो है कहते जरूर है कि आधा घंटा हम ध्यान कर रहे हैं, 1 घंटा ध्यान कर रहे हैं, क्या वास्तव में हम ध्यान कर रहे हैं? नहीं कर रहे। कुछ न कुछ विचार हमारे मन के अंदर चलता रहता है, आज ये क्या पक रहा है, आज क्या चल रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, पढ़ने गया नहीं गया क्या, हर समय हम विचारों के बंडर हमारे ऊपर लदे हुए, उसके अंदर हम जो है चलते रहते, हम सम्यक संकल्प के अंदर नहीं जा पाते, हम मिथ्या संकल्पों के अंदर फंसे रहते हैं। और मिथ्या संकल्प हमको कहाँ ले जाते हैं? असार के अंदर ले जाते हैं। यही है असारे सार मत्थिनो, जो व्यक्ति असार को सार समझते हैं, सारंच असार दस्यनो, असार को जो है सार देखते हैं, तो वो जो है मिथ्या संकल्पों में फंसे रहते हैं, वो सार को नहीं समझ पाते, सार के पास नहीं जा पाते। और सार फिर क्या है? तो सार के लिए फिर हमको जो है सम्यक संकल्प के अंदर चलना पड़ेगा, और सम्यक संकल्प आपका अष्टांगिक मार्ग का दूसरा अंग है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब है आपका जो है जिसको व्रत कहते हैं, जिसे हम जो है एक तरह कसम कहते हैं, प्रतिज्ञा कहते हैं, ऐसा हमको करना है कि हम ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे। तो संकल्प अष्टांग मार्ग का दूसरा अंग ये दो तरह का है, नकारात्मक ना करने के लिए और सकारात्मक करने के लिए। आपका पंसील भी ऐसा ही है, नकारात्मक और सकारात्मक। मैं हिंसा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? मैत्री करूंगा। दो तरह का है, और इसी प्रकार का हमारा संकल्प है। नकारात्मक में क्या है? क्या पहला है नैखम, नैखम का मतलब नैष्क्रम, नैष्क्रम का मतलब गृह त्याग। कुछ समय के लिए तो अपने को अलग करिए, कुछ समय के लिए तो अकेले रहिए, एकांत में रहिए, अपने पास रहिए। कल आपको कायानुस्ति कराई थी, किसी के संपर्क में आइए, अपनी काया के संपर्क में आइए, इसको देखिए क्या है ऐसे क्या नहीं है। जब आपको इसका असलियत पता चलेगी, इसका सत्य पता चलेगा, तो आप अपने आप इससे दूर होने लगेंगे, आप अपने आप संसार से दूर होने लगेंगे। पहला है नैखम, अपने को इन सांसारिक प्रवृत्तियों से अलग करना और अपने में खोना। दूसरा है अद्वेष, किसी से द्वेष नहीं करना है। उससे एक दिन पहले यानी परसों मित्रता भावना करवाई थी आपसे, द्वेष को समन करने के लिए मित्रता भावना का हमको श्राव करना है, मित्रता भावना को हमें बढ़ाना है आगे। और तीसरा है इसके अंदर अभिहिंसा, विहिंसा का मतलब है क्रूरता, यानी हिंसा के अंदर हम जो है प्रसन्नता मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंद लेते हैं, हिंसा के अंदर आनंद लेते हैं। दो मुर्गों को लड़ाएं, बहुत लहूलुहान हो रहे हैं और हम आनंद ले रहे हैं, दो मेढ़ों को लड़ा रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं, एक ऊंट की रेस चलती है अरब के अंदर, बच्चे को बांध दिया जाता है उस ऊंट के पीठ पर और फिर ऊंट को भगाया जाता है, बच्चा रोता है, वहां पर आनंद लिया जाता है। क्रूरता का, ऐसी क्रूरता हमको नहीं करनी है। क्या करना है फिर? फिर आते हैं सकारात्मक संकल्प के अंदर आते हैं, तो पहला है दान,
पहलाई संकल्प है हमारा दान। क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं कुछ? क्या घर हम 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या जो हम खाना खा रहे हैं आज, जो खाना खा रहे हैं, इस खाने को छोड़ करके साधारण खाना ले सकते हैं? क्या अच्छे बिस्तर पर सो रहे हैं हम? क्या इसको छोड़ के हम जो जमीन पर सो सकते हैं? सोच के देखिए, क्या हम छोड़ रहे हैं? क्या छोड़ने को हम तैयार हैं? क्या हम अपने विचारों को छोड़ के नए विचारों को जनरेट कर सकते हैं? क्या बुद्ध के मार्ग को हम अपना सकते हैं? क्या बाबा साहब के वचनों को हम जो है अंगीकार कर सकते हैं? चिंतन करिए, हम अपने विचारों को छोड़ करके, परिवर्तित करके बाबा साहब के विचारों में आरूढ़ हो जाए, बुद्ध के रास्ते पर आरूढ़ हो जाए, दान हो जाए। क्या चीज हम छोड़ सकते हैं जीवन के अंदर? कुछ हम कुछ छोड़ते रहिए। तो पहला है दान, दूसरा है मैत्री, यानी दूसरे से लेके पांच में तक चार ब्रह्म विहार आ गई है, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। दान, दान के लिए क्या होता है? जब हम दान देने लगते हैं तो उसके पांच फायदे, दान के पांच फायदे। क्या फायदा है? पहला कि पहला फायदा है कि हमारे संपत्ति कम होगी लेकिन उसका डर नहीं लगता हूं कि मेरी संपत्ति कम हो रही है, डर नहीं लगता। अनाथ पिंड की कहानी पढ़ लीजिए, पिछली बार वो बताया था मैंने आपको, एक जो सिर्फ उसके पास एक ही चद्दर थी मियाँ बीवी के पास में, और वो भी चद्दर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दी उसने जाकर। क्या हम ऐसे संकल्प करते? नहीं करते। पहला लाभ, दूसरा लाभ है लोगों पर प्रभाव जमाने का, हमारी लालसा जो खत्म हो जाती, इसका भय नहीं रहता कि दूसरे लोग मेरा नाम लेंगे नहीं लेंगे, मेरी पूजा करेंगे नहीं करेंगे, मेरा गुणगान करेंगे नहीं करेंगे, हमारी इच्छा ही नहीं रहती। कोई नमस्ते करे, कोई जय भीम करे ना करे, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई नाम ले ना ले, कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्या हम इस स्थिति में जा रहे हैं? तीसरा है भगवान बुद्ध कहते हैं, हम नहीं कहते, यहां पर क्या कहते हैं कि दुख कारक मृत्यु का भय नहीं रहता। बहुत आदमी आपने देखे होंगे बहुत भयंकर मृत्यु मरते, लेकिन भगवान बुद्ध का जो श्रावक है, भगवान बुद्ध का जो उपासक है, अगर उसने सही मायने में भगवान बुद्ध के धम्म को समझा है तो बड़े आराम से शांति से चला जाता है, उसका चेहरा हंसता हुआ रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है, ऐसा कैसा ही रहता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता है, क्यों ही चले जाते। चौथा है उसको, अगर उसकी मृत्यु सुखकारक है तो अगर पुनर्जन्म है उसका भी उसे डर नहीं लगता है, अरे कहीं भी होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे वहां पर नरक में जन्म लेना है क्या, फांद लेना है, ये वो पता नहीं कहां लूंगा, वो भी खत्म हो जाता है, वो डर उसका निकल जाता है, उसे जन्म मृत्यु के फेर से निकल जाता है, जाति जरा का उसे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता उसके ऊपर। और तीसरा क्या होता, पांचवा क्या होता, लास्ट क्या होता लाभ उसको, कि वो त्याग यानी छोड़ने में कभी डरता नहीं है, पीछे नहीं हटता। अगर किसी का दुख देखा उसने, तुरंत जो कुछ है उसको निछावर कर देगा, चला देख चला जाए। तो ये दान के पांच लाभ हैं हमारे लिए, इसलिए दान हमें करना चाहिए, कुछ न कुछ छोड़ते रहना चाहिए, कुछ न कुछ छोड़िए। क्या छोड़ सकते हो ये आपको डिसीजन करना है। उसके बाद मैत्री है, मैत्री आप जानते हैं, मैत्री के लाभ कई बार बताए हैं। क्या करती है ये मैत्री का काम क्या है? ये खुलापन लाती है, हम जो है खुले नहीं रहते। कल्याण मित्रता पिछली बार बताई थी मैंने, कल्याण मित्रता हमको साधनी है, मित्रता करनी है, कल्याण मित्रता को साधना है, हमें एक दूसरे से खुलना है, वो खुलापन लाती है, मैत्री से हम खुलते हैं। जहां मित्र होगा हमें विश्वास है कि यहां से मेरी बात कहीं नहीं जाएगी, हम तुरंत खुल जाएंगे वहां, जहां डर है कि यहां से मेरी बात कहीं जा सकती तो हम खुलते नहीं। तो मैत्री क्या करती है? खुलापन लाती है, खुला खुला करती है हमको, और क्या करती है? शांति लाती है, शांति लाती है, शांति को स्थापित करती है, लाती ही नहीं है, स्थापित भी करती है उस शांति को। और क्या करती है? ये जोड़ने का काम करती है, सीमेंट का काम करती है। हम क्या जानते थे यूबीएस गौतम कौन है? हम नहीं जानते थे,
नाम सुना था धमचारी नागरतन का, लेकिन इस पर आके हमने चेहरा देखा तो हम जुड़ गए। मैत्री क्या करती है? जोड़ने का काम करती है, सीमेंट का काम करती है। हाँ, ये जोड़ती है, और क्या लाती है? एक दूसरे के अंदर कोमलता लाती है, ये नम्रता लाती है। हम एक दूसरे के प्रति नम्र होते हैं, लचीलापन आता है हमारे अंदर। और क्या करती है ये? एक दूसरे की सहायता करती है, सहायक होती है, सहायता करती है। क्या नहीं करेंगे हम सहायता? करते हैं। जो बौद्ध लोग हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं, और वो आज महाराष्ट्र के अंदर दिखाई दे रहा है। एक दूसरे की सहायता करके वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी इधर कोई चीज स्थापित करनी है, और 11 आज इसके लाभ है मैत्री के। इसी तरह से अगला है ब्रह्म विहार करुणा। जब जो है मैत्री दुख के संपर्क में आती है, तो जो भावना आपके अंदर, आपके मन के अंदर उत्पन्न होती है, उस भावना को कहा जाता है करुणा। हम सहायता की भावना जो उत्पन्न होती है, वह हमारा लालच नहीं होता, हमारा स्वार्थ नहीं होता है, हमारा कोई काम नहीं है वहां पर, लेकिन फिर भी हम सहायता करते हैं, निरपेक्ष होकर सहायता करते। तीसरा तीसरा है, चौथा है मुदिता। जब मैत्री जो है सुख के संपर्क में आती है, सुख यानी सुख सुख के संपर्क में आता है, तो जो भावना वहां पर उत्पन्न होती है एप्रिशिएट करने की, अनुमोदन करने की, तो वो भावना है हमारी मुदिता। और फिर उपेक्षा, संभावना, समता भाव। ये बिल्कुल जब मैत्री सम है, बराबर है, तो वहां पर ये भावना उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उपेक्षा भावना। और छठा इसका जो है अंग है सकारात्मक संकल्प का, वो है श्रद्धा। वो है श्रद्धा। तो बाबा साहब का क्या कहना है कि अंतिम लक्ष्य हमारा क्या है कि बुद्ध धर्म के संपर्क में जाना है, बुद्ध धर्म की शरण में जाना है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। और सम्यक संकल्प के अंदर जो अंतिम पॉइंट है, अंतिम अंग है, वो है श्रद्धा। और जब तक आपके अंदर, हमारे अंदर श्रद्धा पैदा नहीं होगी, तब तक जो है हम जो बुद्ध धर्म को आगे नहीं ले सकते, विचार नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो इस श्रद्धा को हम जो है अपने अंदर विकसित करेंगे, ये अपने आप नहीं आती, श्रद्धा अपने आप नहीं आएगी, इसको विकसित करना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा, इसको उगाना पड़ेगा। तो उस उगाने के लिए फिर बंते जी ने हमको क्या बताया, इसमें से बोधिचर्या अवतार में से लिया बंते जी ने बहुत अच्छी तरह से, कि आपको पूजा करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा पूजा क्या है, वंदना करनी पड़ेगी, आपको शरण गमन कर ले करना पड़ेगा, शरण लेनी पड़ेगी, पाप देशना करनी पड़ेगी। क्या हम पाप देशना करते हैं? जो हमारे से गलत काम हो जाते हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं क्या? मेरे से ये गलती हो गई है, आप क्षमा कर देना मुझे, कभी हम करते हैं क्या? कोई अच्छा काम कर रहा है, क्या हम उसको अप्रिशिएट करते हैं? नहीं करते। पाप देशना करनी है हमको, पुण्यानुमोदन करना है। और उसके बावजूद भी एक और कहावत है भगवान बुद्ध के धम्म का, कि भगवान बुद्ध का धम्म आपको बगैर मांगे नहीं मिलेगा, आपको मांगना पड़ेगा, बगैर पूछे आपको धम्म ये समझ में नहीं आएगा, क्या मैं ही समझ लूंगा, मैं ही सब कुछ कर लूंगा, नहीं कर सकते आप। आपके लिए कल्याण मित्रता चाहिए, आपके आगे वाला जो चल रहा है, जिसको आपने कल्याण मित्र धारण किया है, यहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, यहाँ क्या है? कल्याण मित्रता परंपरा है। हम एक दूसरे के कल्याण मित्र हैं, एक दूसरे के सहारे हैं, एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, एक दूसरे सहारा ले सकते हैं। अध्यक्षना याचना, हमको याचना करनी पड़ेगी। अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो धम्मचारी बोधि प्रकाश से याचना करता हूँ, भाई ये चीज मुझे बताइए, नागरतन जी से याचना करता हूँ कि ये चीज मुझे बताइए, आपके पास समय है या नहीं है? तो हमें याचना करनी चाहिए। और अंतिम में क्या है, इसको भी अगर कुछ हमें प्राप्त हुआ है, अगर हमें कुछ प्राप्त हुआ है, हो गया है, उस पर हमें घमंड न करने, उसको भी छोड़ देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए, उसको भी छोड़ देना चाहिए, उस पर हमें घमंड नहीं करना है कि ये मुझे प्राप्त हो गया है, मैं वो आगे हूं, मेरे से पीछे हैं सब, हैं, मैं ही हूं जो कुछ हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, दूसरे कुछ नहीं जानता, ऐसा बिल्कुल भी हमारे मन के अंदर नहीं देखना है, नहीं सोचना।
तो अगर ऐसा हम करेंगे तब हम सार की तरफ बढ़ेंगे। और सार क्या है उसको मैं अगले हफ्ते लूंगा। सार क्या है कि जिंदगी में अपने को चार शून्यताओं के अंदर स्थापित करना, शून्यता शून्यता तक ले जाना, निर्वाण को प्राप्त करना। चार शून्यताओं के अंदर अगली बार देखेंगे जब सब मिलेगा। तो आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया, आपका बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन, साधुवाद, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म यूएसबी।